एक्शन। आई समित जी नमस्ते। इस बार बागले में गणपति आ रहे हैं तो आप कितने एक्साइटेड है उसको लेके, और ये कैसे अलग है? हमारे जो त्योहार है, गणेश जी हो या होली हो या जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, दिवाली, दशहरा, ये सारे त्योहार तरह का उत्सव होते हैं, तो गणपति बापा का आगमन भी उसी तरह का है। एक घर का सदस्य घर आता है तो जो खुशी होती है वैसी खुशी हम पूरे साई दर्शन हाइट्स के सब मेंबर्स को हुई है। और इस बार जो है हमने ये किया है कि जिस तरह का माहौल है बाहर, कोरोना ने जो आक्रमण किया है, इसलिए हम कुछ परिवारों ने ऐसा तय किया है कि हम मिलकर एक गणपति पापा की एक मूर्ति रखेंगे और हमारे साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में यहाँ पर स्थापना करेंगे, और जो पैसे बचेंगे उससे हम ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको मदद करेंगे। तो ये इस तरह का कुछ अलग करने का प्रयास है। गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कोई आपकी ऐसी याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? गणेश जी के इस पूरे 10 दिनों से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। मैं जब आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज जब हम लोग परफॉर्म करते थे, अब तो वैसा रहा नहीं है, लेकिन हम नाटक के जो शोज़ करते थे जाकर हर एक मंडप में, तो फिर वो हिंदू कॉलोनी हो या फिर गिरगांव हो, मैंने मेरे इलाके में भी परफॉर्म किया था। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी एंट्री हुई थी उस नाटक में तो जितने बच्चे बैठे थे अरे करके जोर जोर से चिल्ला रहे और ताली वाली बजा रहे। तो बड़ा मज़ा आता है गणेश में। इन 10 दिनों में बहुत वाकई में बहुत मज़ा आता है। और हर एक कॉलोनी का एक गणपति होता है, सार्वजनिक गणपति जैसे कहते हैं, तो वो शान होती है। यस सर, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? मैसेज यही है कि प्लीज़ ख्याल रखिए अपना। गणेश जी आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के सारे नॉर्म्स जो हैं पैंडमिक के वो सारे तोड़ दें और भूल जाएं, नहीं। मास्क प्लीज़ पहनिए और भीड़ मत कीजिए। गणेश जी के दर्शन अगर आप वहाँ जाकर नहीं कर पाओ तो भी ठीक है, यहाँ पर है गणेश जी और हम सबके घर में गणेश जी होते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द रूल्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ सेफ गणेश उत्सव।